हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबिका डिजाइनर्स एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम बात करेंगे होम रेमेडी के बारे में। घर में किचन में जो सामान उपलब्ध है उससे हम कैसे स्किन को चमकदार बनाएंगे, देखिए घरेलू उपाय। स्किन को स्वस्थ, चमकदार, सन टेनिंग से दूर करना, इससे फ़ायदा है। इसमें हम एक लिए हैं मीडियम साइज का आलू, देखिए आधा खीरा है, ये इसको हम ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करके मैं ले आ रही हूँ, ये खीरा और आलू ग्राइंड करके ले आ दिए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखिए चावल का आटा और बेसन बराबर भागों में मैं मिला के रखी हूँ। अब इसको एक चम्मच आप इसमें डालेंगे बेसन और चावल का आटा, ये भी सबके घर में सामग्री किचन में उपलब्ध रहता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसको ग्राइंड करके आप बेसन, चावल का आटा, थोड़ा सा कसूरी हल्दी इसमें डालेंगे। और जब आपको लगाना होगा तो इसमें लेमन 8 से 10 बूंद डालेंगे। यदि जिसके फेस पे लेमन सूट ना करता हो, फेस पे पिंपल्स हो ज़्यादा, तो उनको ने लेमन नहीं इस्तेमाल करना है, उसमें दही या दूध का इस्तेमाल करना है। आप इसको, इस पैक को फ्रिज में कम से कम ग्लास के जार में स्टोरेज करके रख सकती हैं। 8 से 10 दिन आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं, 8 से 10 दिन इसको यूज कर सकती हैं। क्योंकि मैं नींबू मिलाना था इसलिए मैं अपने पेस्ट को कम कर दी हूँ और मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। जब नहाने आप जाइए 15 से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इस पेस्ट को लगा लीजिए और अपना आप काम करिए। 15 से 20 मिनट हो जाएगा तो हल्के हाथों से देखिए कैसे मैं उसको, क्या प्रोसेस है आगे मैं बताती हूँ। नहाने से 15-20 मिनट पहले लगा के आप इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद से हल्के हाथों से रब करके आप इसको वाश कर दीजिए। देखिए ये मैं मिल्क ली हूँ, इसमें मिल्क है, नॉर्मल मिल्क जो किचन यूज करते हैं। इसकी सामग्री खीरा, आलू, बेसन, चावल का आटा, मिल्क, खीरा, इतनी सामग्री लगेगी। मैं मिल्क से, मिल्क क्लींजिंग मिल्क का भी काम करता है, इससे मैं फेस को वाश कर लूँगी। आपको केमिकल प्रोसेस से बचना है तो किचन के सामग्री से ही आप फेस को चमका सकते हैं। इसके जगह पे मैं क्लींजर का भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मैं, मुझे होम रेमेडी बताना है तो मैं घरेलू नुस्खे को बता रही हूँ, तो घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए कितना डस्ट निकल रहा है, आप इसको लगातार इस्तेमाल करेंगी तो आपको फेशियल कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। डस्ट धूल गर्द सब आपके फेस पे रहेंगे ही नहीं, तो न पिंपल्स निकलेंगे, न झाई निकलेगी, न झाई होगा, न सन टेनिंग होगा। आप इसको नियमित इस्तेमाल करिए और इसका रिस्पांस पाइए। पार्लर आप जाते हैं, टाइम आपका वेस्ट होता है। आप इसको अच्छे से, मेकअप भी आप कोई भी फाउंडेशन लगाएं बहुत अच्छे से मिल्क रिमूव करता है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है क्योंकि इसमें केमिकल प्रोसेस कुछ भी नहीं है। आपका नॉर्मल मिल्क है, आप जो पीते हैं उसी मिल्क का इस्तेमाल करना है। देखिए मेरा फेस मात्र क्लींजिंग से, यानी मिल्क से मैं क्लींजर की हूँ, देखिए कितना डस्ट निकला इस कार्टन में, ये हो गया। देखिए इस पेस्ट को कैसे लगाते हैं, आप हाथ से भी लगा सकते हैं इसको, दस से भी लगा सकते हैं। कभी भी ब्रश आपको ऐसे नहीं चलाना है, कभी भी आप ब्रश को ऊपर की तरफ से ले जाएंगे। इसको आप आंख पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप नहाने के टाइम लगाएंगे तो आंख पे रख के सोने का समय नहीं रहेगा। यदि आप दोपहर में लगाते हैं तो इसको आँख पे भी लगा सकते हैं, आँख पे भी रिलैक्स मिलेगा, ब्लैकनेस खत्म होगा, आँख के नीचे सर्कल जो होते हैं, ब्लैकनेस होते हैं, वो सब खत्म होंगे इससे।
नियमित आप मिल्क से क्लींजर करिए, साबुन को छोड़ दीजिए। साबुन में केमिकल प्रोसेस होते हैं, साबुन बिल्कुल ही बाथरूम से हटा दीजिए, आप साबुन फेस पे बिल्कुल ही मत लगाइए। और क्लींजिंग मिल्क से आप बस क्लींजर करिए, फेस का एक महीने के बाद रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया रिस्पांस आता है। आप करके देखिए, आपको कभी फेशियल कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस मिल्क से वॉश कीजिए, साबुन की जगह पे मिल्क से बस क्लींजर कर लीजिए, बस छोड़ दीजिए। देखिए गला भी कवर कर लीजिए, कान भी कवर कर लीजिए। देखिए मैं एक इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी। इसको तो आंख पे इस समय मुझे टाइम है तो मैं आंख पे खीरा लगा सकती हूँ। आपके पास भी टाइम हो, दोपहर में भी पैक लगाती हूँ तो आंख पे खीरा लगा के और 15 से 20 मिनट तक के लिए आप रिलैक्स हो जाइए, लेट जाइए। देखिए आंख में भी कितना आराम मिलता है। देखिए 20 मिनट पूरा हो गया। अब इसको हल्के हाथों से रब करेंगे, हल्के हाथों से सर्कलिंग करते हुए। देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। इसको कम से कम 5 मिनट आप करिएगा। देखिए हल्का हल्का सर्कलिंग करते हुए पूरे फेस पे राउंडिंग करते हुए कैसे कर रही हूँ। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर देते हुए, हल्का प्रेशर देते हुए देखिए कैसे मैं नीचे से ऊपर ले जा रही हूँ। नाक पे ब्लैक हेड्स होंगे तो भी निकल जाएंगे। देखिए नाक का हल्का सा सर्कुलिंग करते हुए। अब आई का मैं कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ ये हल्का स्टेप दे के आप घर पे भी आप पैक लगा के फेशियल का लुक ले सकते हैं ऐसे करके। हल्का सा आप गला भी कवर करेंगे क्योंकि गला अलग हो जाएगा, फेस अलग हो जाएगा, इसलिए गला पे भी कवर करेंगे। हल्का सा प्रेशर बिन देंगे, प्रेशर लेते हुए माथे पे, हाँ ऊपर से देखिए कैसे प्रेशर बिन दे रहे हैं। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। आप काम करते हुए सुबह नहाने से पहले ये काम कर सकती हैं। मेरा फेस देखिए कितना चेंज हो गया, हाँ कितना ग्रोइंग आ गया। ये मेरा फेस देखिए, आप आज फोटो लीजिए अपना और ये रेमेडी इस्तेमाल करके एक महीने के बाद आप इसका रिस्पांस देखिएगा और ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका रिस्पांस हमको क्या मिला। और इस पैक से स्किन टाइट होता है, फाइन लाइन जो पड़ जाता है वो ख़त्म करता है, सन टेनिंग को दूर करता है, स्किन को टाइट करता है, ग्लोइंग लाता है। देखिए मेरा फेस कैसे हो गया। बाय, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू।